गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जॉब से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल्स में, और किस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज आने वाली है और क्या क्या प्रोसेस होगा इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज का ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया हुआ, 139 इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए ली जाएगी अनुमति। तो इस टाइप का जो न्यूज है वो अक्टूबर 2021 से ही आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं किया गया है, और तभी से बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर हो गया है और ऑनलाइन एजेंसी का चयन कर लिया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं लगा है कि कब तक ये वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। तो फिर भी आज ये न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया है। तो 139 इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए ली जाएगी अनुमति, ये किस में होगा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग PHED में इसकी वैकेंसी आने वाली है। ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा और जो JPSC AI 5 2019 की वैकेंसीज है जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, मेंस का एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट जून में आने वाला है, तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मिशन जो है हर घर नल जल योजना उसी के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। और उसमें क्या है कि वो PHED जो परमानेंट डिपार्टमेंट है उसी में ये वैकेंसी 5 2019 की वैकेंसीज है, तो इस वैकेंसी से उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं कब तक वैकेंसीज आएगी और कितना पोस्ट रहने वाला है। तो 139 में जो वैकेंसीज आएगी, 139 पोस्ट इंजीनियरिंग की, तो 46 AE की होगी एंड 93 JE की वैकेंसी होगी, जिसमें कि फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा और ऑनलाइन प्रोसेस से एग्जामिनेशंस होगा इसका। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर 139 इंजीनियरों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर एजेंसी का चयन कर लिया गया है, एजेंसी की ओर से ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। तो एजेंसी का भी चयन हो चुका है कि कौन एग्ज़ाम लेगा और एजेंसी की ओर से ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये तो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, लेकिन एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा, मेरिट ऐसा नहीं है कि मेरिट से सिर्फ सिलेक्शन कर लिया जाएगा, तो जो लोग एग्ज़ाम में पास होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में लगी आचार संहिता को देखते हुए विभाग विज्ञापन निकालने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि विज्ञापन निकालने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है, तो ये एक बहाना है क्योंकि अभी कल ही तो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है जो इंटरमीडिएट लेवल का है, तो क्या ये रिलीज नहीं कर सकती है? हो सकता है कि कुछ डिले हो, बट जल्दी ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। आयोग से अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की ओर से पहले ही रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। जल जीवन मिशन में इंजीनियरों की कमी दूर करने के लिए अनुबंध पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी। तो जैसे ही ये वैकेंसीज आएगा एडवर्टाइजमेंट, तो आपको तुरंत इंजीनियर माइंड चैनल पर अपलोड करके इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।